दोस्तों, मैंने बहुत दिनों पहले एक वीडियो बनाया था। वो था जैसे कि आप किसी को कॉल करते हैं तो आपके फ़ोन के टॉप में कॉर्नर में एक ग्रीन डॉट सा आ जाता है, ठीक है। आप कैमरा ओपन करते हैं तब भी ग्रीन डॉट आ जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। आप कोई फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी करते हैं ना, तब भी आपके यहाँ पे कोने पे ग्रीन डॉट आ जाता है। तो ये फीचर एक्चुअली है क्या? तो बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। मुझे पता है 99% लोग जो हैं इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो ये फीचर नया आया है। पहले आपके पुराने डिवाइस रहते थे तब ये फीचर आपको नहीं देखने को मिलता था, मतलब ये चीज़ आपको डॉट देखने को मिलता ही नहीं था। लेकिन आजकल के जो डिवाइस हैं, नए डिवाइस हैं, अपडेटेड हो चुके हैं एंड्रॉयड 12 में, उसके बाद ये फीचर देखने को मिल रहा है। तो मैंने वीडियो बनाया था तो मैं वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे बताऊँगा कि ये ग्रीन डॉट आता क्यों है और ये खतरनाक है या फिर सही है, एक्चुअली में ये है क्या, ठीक है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, वो मुझे कॉल करते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि भाई ये मैं आपको कॉल करता हूँ तो ऊपर ग्रीन डॉट आता है, ये सीन क्या है, मतलब मैं किसी को भी कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर ग्रीन डॉट आ जाता है, ठीक है। तो आज उसको हम जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा इसके बारे में। तो मेरा वीडियो आपने पूरा यहाँ पे ध्यान से देखना है। और दोस्तों, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो पसंद नहीं कर रहे हैं, तो फेस वीडियो बनाने का मुझे तो टाइम नहीं लगता है, बहुत ही बिजी रहता हूँ मैं। जैसे ही मुझे टाइम लगता है वैसे ही मैं वीडियो बना लेता हूँ, वो भी विदाउट फेस, ठीक है। तो आज मैंने फेस वीडियो इसलिए बनाया है कि आपको बता सकूँ डिटेल में इस चीज़ के बारे में। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करना। अगर आप नए ऐड हो रहे हैं या पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तब भी कमेंट करना। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज़ टेक चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये ग्रीन डॉट आता कैसे है? ये आपके डिवाइस में, जैसे कि आपका डिवाइस अगर एंड्रॉयड 12 में अपडेट हो चुका है, ठीक है, कोई भी डिवाइस होगा आपके पास, चाहे सैमसंग, ओप्पो, वीवो, जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किसी ब्रांड का, वो एंड्रॉयड 12 में रन कर रहा है, ठीक है, कोई भी डिवाइस है, तो उसमें ये फीचर देखने को मिलता है, ठीक है, ग्रीन डॉट वाला। जैसे कि मेरे डिवाइस यहाँ पे एंड्रॉयड 12 में जो है अपडेट हो चुका है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये आता कैसे। ये आता है पहले तो दो चीज़ों की वजह से आपके डिवाइस में, फर्स्ट कैमरा, सेकेंड माइक्रोफोन, ठीक है, दो चीज़ों की वजह से ही आपको ऊपर ग्रीन डॉट देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक्चुअली दिया गया है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्योंकि आप कैमरे से जो है अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तब भी आएगा, अगर आप कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तब भी आएगा, या फिर फोटो क्लिक करेंगे, जैसे कि आप टॉप में यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो वॉइस रिकॉर्ड यहाँ पे कर रहा हूँ, तो टॉप में देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन डॉट आ रहा है। उसके बाद कब आता है? जब आप किसी को कॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी अभी कॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है, 198, ठीक है, कॉलिंग, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, कॉल करने के बाद जैसे कि ऊपर, जैसे कि आप देखते हो ग्रीन डॉट यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। कॉलिंग के टाइम पे क्यों आता है ये भी आप सोचने वाली बात है, क्योंकि कैमरा ओपन करते हैं तब तो पता कि रिकॉर्डिंग हो रही है, वॉइस रिकॉर्डिंग करते तब भी हो रही है, ठीक है। कैमरे के टाइम इसीलिए आता है क्योंकि आप कॉलिंग के टाइम इसीलिए आता है, जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आप वहाँ पे आपका माइक जो है वर्क करता है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपका माइक वर्क कर रहा है, बंदा की मतलब अगला बंदा आपका रिकॉर्ड भी कर सकता है, ठीक है, समझ गए, या फिर आप उस बंदे की बात भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये मेन पर्पस है आने का, कैमरा और माइक को लेके, ठीक है। और जैसे कि आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तब नहीं आता है, जैसे कि मैं यहाँ पे मान लो फेसबुक यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ तब नहीं आ रहा, टॉप से तो नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे परमिशन दूंगा कैमरे को, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, मैं मान लो यहाँ पे कोई पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कैमरे वाले ऑप्शन में यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैमरे वाले ऑप्शन में चला गया, ठीक है, चला गया, यहाँ पे गिव परमिशन मांगेगा ना, जैसे ही परमिशन मांगेगा मैं परमिशन दूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, वैसे टॉप में यहाँ पे डॉट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी सिक्योरिटी पर्पस को लेके है,
आप व्हाट्सएप में कॉल करेंगे या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में कॉल करेंगे तो आपको ग्रीन डॉट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये ख़तरनाक है या सेफ़ है। ये बिल्कुल सेफ़ चीज़ है और सैमसंग या फिर एंड्रॉयड जितनी भी कंपनीज़ हैं आपके मोबाइल की, वो सभी इस चीज़ को इसलिए प्रोवाइड किया है एंड्रॉयड 12 अपडेट आने के बाद, ताकि आपकी सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है, आपके कैमरे के थ्रू या फिर आप इंस्टाग्राम में लाइव जाते हैं या फिर आपके या फिर आप किसी से बात करते हैं, तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए दिया गया है, ताकि आपके फ़ोन को कोई हैक ना कर ले, आपके प्राइवेट डाटा को कोई जो है लीक ना कर दे, मतलब कोई भी आपके डाटा को देख ना पाए। ये बिल्कुल सिक्योरिटी पर्पज़ के ऊपर है, ये परमिशन के थ्रू दी गई है। तो अगला बंदा जब भी आपके फ़ोन को हैक करेगा तो आपको परमिशन का ऑप्शन आएगा, अगर आप यहाँ से आप परमिशन दे देंगे तो वो बंदा आपके डिवाइस को हैक कर पाएगा, अगर नहीं देंगे आप डिनाई कर देंगे तो आपके डिवाइस को हैक नहीं कर पाएगा। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है और ना ही ख़तरनाक है, बिल्कुल सेफ है आपके डिवाइस के लिए। तो आपको समझ गए होगे आज का वीडियो क्या मैं बताना चाहता था, ग्राउंड ग्रीन डॉट क्यों आता है और कैसे आता है। सो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।